सो हेलो वेलकम गाइस, क्लास टेंथ का ये साइंस का पार्ट थर्ड है, चैप्टर फर्स्ट का। इसमें आप लोग को पार्ट जो थर्ड है इसमें आप लोग को चैप्टर फर्स्ट के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं वो आप लोग को कवर किए जाएंगे। पार्ट फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड किया गया है, थर्ड यहाँ पे है। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए, नोट चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रकाश की किरण को समझाइए। प्रकाश की किरण को समझाइए, प्रकाश की किरण, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश की किरण होती क्या है। तो प्रकाश की किरण से क्या संबंध होता है, क्या उसके आशय है। तो प्रकाश की किरण जो क्या होती है, किसी भी समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जो होता है जिस रिजरेखीय मार्ग से होकर गुजरता है या फिर जाता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। अभी प्रकाश की किरण का डिफिनेशन सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जब कोई यदि प्रकाश है किसी भी समांग माध्यम में से एक बिंदु यहाँ पे है, दूसरा बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस रिजरेखीय मार्ग, ये मार्ग है इसका, जिस रिजरेखीय मार्ग से होकर जाता है यही प्रकाश की किरण होती है। यही क्या है, यही प्रकाश की किरण कहलाती है। उसके बाद ये जो होता है प्रकाश की किरण, ये 3 टाइप्स में होता है। तो फर्स्ट टाइप्स है अभिसारी जो है। तो अभिसारी क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हों तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो प्रकाश किरण पुंज में जो 3 प्रकार हैं, पहला है अभिसारी। अभिसारी क्या होता है, अभिसारी में जो प्रकाश की किरणें होती हैं एक ही पॉइंट पर, यहाँ पे जैसे प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो ये एक ही पॉइंट पर आती हुई और मिलेंगी, यहाँ पे ये एक ही पॉइंट पर आकर के मिलेंगी, सभी जो भी जितनी भी प्रकाश की किरणें रहेंगी वो सभी एक ही पॉइंट पे आकर के मिलेंगी, ठीक है। तो इस पे जो प्रकाश किरणें रहती हैं एक पॉइंट पे आकर के मिलती हैं। उसके बाद सेकंड है अपसारी। अपसारी क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो अभी अपसारी क्या होता है, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है और इससे जो प्रकाश की किरणें हैं वो एक ही बिंदु से चारों दिशाओं में जा रही हैं। उसमें क्या था, एक ही दिशा, एक ही पॉइंट पे सभी आती थी प्रकाश किरणें, लेकिन इसमें एक पॉइंट से सभी दिशाओं में जो होती हैं प्रकाश किरणें जाती है, गमन करती हैं, उसको अपसारी किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट है समांतर। तो समांतर में क्या होता है, यदि प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर हों तो इसे, मान लीजिए ये प्रकाश की किरणें हैं और ये समांतर हैं, इसको क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का क्लियर हो गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रकाश की किरणों को समझाइए या फिर प्रकाश की किरण पुंज को समझाइए, तो यही होता है प्रकाश का किरण पुंज। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के उपयोग लिखिए। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक काटा गया भाग होता है। एक मान लीजिए ये कांच का खोखला गोला होता है, इसी को काट दिया जाता है तो जो दर्पण बनता है गोले वही होता है, और इसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। इसके किसी भी एक तल पर या फिर इस साइड या फिर इस साइड किसी भी तल पर जो होता है पेंट कर दिया जाता है, कलई कर दिया जाता है, इसको पेंट कर दिया जाता है और इसको परावर्तक के लिए छोड़ दिया जाता है। इसी को ही, यही जो होता है पूरा प्रक्रिया और ये जो बनता है यही गोलीय दर्पण होता है। इसका मान लीजिए ये जो ऊपर वाला भाग होता है उसको पेंट कर दिया जाता है और यहाँ पे इसको परावर्तक तल बना दिया जाता है अंदर वाले भाग को। तो गोली दर्पण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, पहला है अवतल दर्पण, सेकंड है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिए, अवतल दर्पण क्या होता है, वह दर्पण जिसमें परावर्तन जो होता है दबे हुए तल से होता है। यहाँ पे आप लोग फिगर देख सकते हैं, इसमें जो होता है इसके ऊपरी भाग में, उभरे हुए भाग में जो कलई कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है, और जो परावर्तक होता है वे दबे हुए भाग से होता है, अंदर वाले भाग से होता है। इसका फिगर कुछ ऐसा आप लोगों को दिखेगा, ऐसा फिगर होता है।
नेक्स्ट है यहाँ पे उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसमें परावर्तन जो होता है उभरे हुए भाग से होता है। तो उत्तल दर्पण में जो कलई होता है वो अंदर वाले साइड होता है, पेंट अंदर वाले साइड को किया जाता है और बाहर वाले साइड को परावर्तक तल बना दिया जाता है, इससे परावर्तन किया जाता है। इसका फिगर कुछ ऐसा आप लोगों को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया। क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा था कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो गोली दर्पण आप लोग को पता चल गया कि ये गोला कांच का कटा हुआ भाग होता है जिसका एक साइड पर पेंट कर दिया जाता है और सेकेंड साइड को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है परावर्तक के लिए। ये दो प्रकार का होता है। अवतल में जो होता है वो पेंट ऊपर वाले भाग में होता है और उत्तल में पेंट अंदर वाले भाग में होता है। तो नेक्स्ट पार्ट इसका जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न और भी बचे हुए हैं वो अगले वीडियो में बताए जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग को वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।